ओ भाई साहब, जरा डोले शोले तो देखो मेरे। देखो, जिम जाने का फायदा तो हो रहा है, अब मैं भी लड़कियों के सामने फ्लेक्स मार सकता हूँ। एक आधी तो पटी जाएगी। अबे नहीं, मैं इन सब में रह जाऊंगा, मुझे और भी बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो जाके यार कपड़े पहनता हूँ पूरे, क्योंकि हमारी मदद करवाने वाला भी कोई नहीं है। चलो गाइस, कपड़े वपड़े पहन के हम लोग हो चुके हैं तैयार। एक मिनट, अब किसका कॉल है? शिनचान के प्रिंसिपल। यस सर। फ्रैंकलिन, एक बात बताओ, शिनचान की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो तो एकदम भला चंगा है, पर हुआ क्या? नहीं, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। एक मिनट, क्या? वो तो रोज स्कूल के लिए निकलता है, मैं खुद उसे स्कूल बस में छोड़ने जाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? तो वो स्कूल पहुँचता क्यों नहीं है? उसका तो छोड़ो, दो चार बच्चे और है जो कि कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे है। देखो, अगर तुम्हें शिनचान के बारे में पता चलता है तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है सर। अबे यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, चौप से जाके पूछता हूँ, उसको पक्का पता होगा। चलो बाहर ही मिल गया। चौप, मेरी बात सुन, शिनचान आज स्कूल गया है ना? अरे हाँ गया है ना, आपने तो उसे स्कूल बस में छोड़ा था, क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि प्रिंसिपल सर का फोन आया था मेरे पास, और वो बोल रहे थे कि शिनचान और कुछ बच्चे और हैं जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। जब वो लोग यहाँ से स्कूल बस में बैठ रहे तो स्कूल क्यों नहीं पहुँच रहे? अरे क्योंकि स्कूल बस स्कूल के बाहर उतारती है, क्लासरूम के अंदर नहीं। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? जो बोलना है थोड़ा क्लियर बोल। अरे वो लोग यहाँ से स्कूल बस में चढ़ते तो है, पर जब वहाँ उतरते है सब लोग इकट्ठा होते और वहाँ से भाग जाते है, मतलब के स्कूल बंक कर देते है। एक मिनट, तू तो यहाँ पर रहता है, ये सब तुझे कैसे पता? कहीं तू भी तो उनके साथ मिला हुआ नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब आपकी गलती है। आपने जो वो वीडियो गेम ला के रखा है ना यहाँ पर, उसी को खेलने के लिए सारे बच्चे स्कूल से बंक करके यहाँ पर आते हैं। क्या? अबे तो तू ये बात मुझे आज बता रहा है? आज तो शिनचान की खैर नहीं, जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस, मुझे इनको ऐसे गिफ्ट देने ही नहीं चाहिए, यहीं पर होने चाहिए वो लोग। ये रहे। ओ भाई साहब, जरा यहाँ तो देखो, ये सारे बच्चे तो वीडियो गेम के अंदर इतना घुस गए कि इन्हें आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं है। अरे तुम लोग देखो, आज तुम्हारा भाई कैसे जीतता है। बंद करो ये सब, अभी का अभी, बहुत हो गया। अरे एक मिनट, ये इतना जोर से कौन चिल्लाया? अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तुझे क्या लगा तू रोज ऐसे बंक करके आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो, हम तो पहली बार आए हैं, वो तो आज स्कूल का हाफ डे था ना, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर गेम खेल ले। शिनचान, झूठ बोलना बंद कर दे, तेरे प्रिंसिपल का फोन आया था मेरे पास। अरे यार, अब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है उनको गलतफहमी हुई होगी। उनको तो गलतफहमी हो सकती है, चौप को तो नहीं होती ना, वो तुमको रोज वापस आते देखता है। मैं लेट उठता हूँ इसका मतलब तुम लोगों ने तो फायदा ही उठा लिया है। तुम सबके घर पे कंप्लेन करूंगा मैं कि तुम लोग बंक मार के गेम खेलते हो। अरे प्लीज फ्रैंकलिन भैया, इतना मत करना, मैं आपके हाथ धोलता हूँ। अरे हाँ हाँ प्लीज, वरना मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी। अरे देख रही हो फ्रैंकलिन भैया, कितने मासूम बच्चे हैं, प्लीज इनकी बात मान लो ना। मैं है ना अभी किसी की एक बात नहीं सुनने वाला। अरे यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, हम सब एक साथ है। अरे बापरे, ये क्या हो गया? क्या हुआ शिनचान, तुम सब तो साथ में थे ना, वो तो गायब हो गए। देख ले भाई तेरी दोस्ती, वो लोग सिर्फ तेरे साथ गेम खेलने आते थे। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने एकदम सही कहा, वो तो मेरे साथ गेम खेल के ही चले गई, एक नंबर के धोखेबाज थे सारे। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। देख, माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, एक दिन की बात होती तो बात अलग है, पता नहीं ऐसा कितने दिनों से हो रहा है। अबे यार, अब किसका आ रहा है फोन बीच में? टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है, पहले रुक मुझे लोकेशन चेक करने दे। अबे ये क्या है, पानी के बीचों बीच, यहाँ मैं कैसे पहुँचूंगा? तुम एयरपोर्ट जाओ और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर भाड़े पे ले लो। अच्छा ठीक है। क्या मुसीबत है यार, हमेशा ऐसे ही होता है। शिनचान मेरी बात सुन, अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोनी के पास जाना अर्जेंट, तुझे आना है तो आ, वरना यहीं पर सड़ते रहे। अरे रुको ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे भी लेकर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। चौप चौप, जल्दी से आ जा। अरे हाँ बोलो फ्रैंकलिन भैया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी से टर्न मार, फटाफट गाड़ी के पास आ जाओ तुम दोनों। पता नहीं ऐसा भी कौन सा काम होगा, आज ही आएगा बंक मास्टर। अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया, अब मुझे पता है ये बात आप बहुत दिनों तक घिसोगी। बात छोड़ दे बेटा, आज तो मैं तुझे घिसूंगा, बस एक बार ये टोनी का काम खत्म हो जाए। अरे चौप के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने ये चुगली की होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने चुगली नहीं की है, इन्होंने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने इनको बता दिया। और शिनचान ये क्या बात हो गई, चुगली क्या होती है? एक तो गलत काम करता है, ऊपर से चौप पर ही चिल्ला रहा है, ये पूरी तेरी गलती है, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाना था। अरे अच्छा ठीक है ना, अभी और क्या है। अब ये बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर जाके एक हेलीकॉप्टर भाड़े पे लेना है। देख सामने एक हेलीकॉप्टर है, यही ठीक रहेगा। अबे नहीं, ये क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गई, हेलीकॉप्टर देखने के चक्कर में यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, इनको तो देखा ही नहीं। अब मुझे लगता है कि हम लोग भाड़े पे नहीं ले सकते, हमें इसे लेके तुरंत कल्टी मारनी होगी। शिनचान जल्दी से आ, इससे पहले कि यहाँ के गार्ड्स
हादसा है। बस यार इन लोगों को कोई हॉस्पिटल लेकर चला जाए, वैसे खाली मामूली सी टक्कर लगी है। देखा है अपनी गलतियों को कैसे कवर करती हो और मेरे टाइम बहुत ज्यादा चिल्लाती हो। शिनशान एक चीज होती है गलती से और एक चीज जानबूझ के करते है। तूने जो भी किया ना सब जानबूझ के किया है। चलो गाइस मुझे लगता है हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए। पर एक मिनट, ये लेजर कहां से आ रही है और कितने दूर तक जा रही है? आसमान के एकदम ऊपर तक। जल्दी से नीचे उतर के चेक करते हैं। ओ भाई साहब लैंडिंग में हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आ जाओ सब लोग जल्दी से। अबे यार ये सब चल क्या रहा है? विजन, हल्क, स्पाइडरमैन, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? टोनी क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। दरअसल हम सब लोग मिलकर एक मशीन को ठीक कर रहे हैं। विजन, हल्क और स्पाइडरमैन इसी काम में लगे हुए है कब से। वो सब तो ठीक है पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मशीन किस चीज की है और तुम लोगों ने इसे पानी के बीचों बीच क्यों बनाया है। हमने इसे नहीं बनाया है, ये पहले से ही यहाँ पर है और मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे आई। पर इतना जान लो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ और वो भी यहाँ पर नहीं, दूसरे डायमेंशन में, जहाँ तक हम लोग इस मशीन के बिना नहीं पहुँच सकते है। मुसीबत, दूसरा डायमेंशन? तुम लोग अभी भी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो मुझे, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि अल्ट्रॉन हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। मेरी पहले भी बहुत बार उससे फाइट हो चुकी है, पर कुछ महीनों पहले मेरी फिर से उससे लड़ाई हुई थी और हर बार की तरह मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी। इस बार मैंने मेरे मन में ठान लिया था कि मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक किया, उसकी हालत खराब होती ही रही। देखते ही देखते उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। अरे तो इसमें नई बात क्या है, ये तो हमेशा का है। हाँ वैसे शिनशान सही बोल रहा है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो हर बार होती है। नहीं अभी रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। उसे लड़ाई के बीच में ही पता चल चुका था कि वो हारने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही अपना स्पेसक्राफ्ट बुला के रखा था। वो घिसड़ते घिसड़ते जैसे तैसे करके अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ा। मुझे पता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। मैंने सोचा इस बार उसे सबक मिल गया होगा, इसलिए उसे जाने दिया। वो धरती से भाग गया था, पर ये सोचना मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक मिनट, अब मैं सच्ची बताऊँ तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। तुम दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है, इसमें नया क्या है, कुछ तो बताओ। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, मैंने सबसे बड़ी गलती उसे उस दिन छोड़कर की थी, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद वापस लौटा। पर उसे एक चीज और पता थी कि वो मुझे कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने मेरे सूट जैसे बहुत सारे रोबोट्स बनाए जो कि इंसानों से उतनी नफरत करते थे जितनी कि वो करता है। उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया, धीरे धीरे करके बहुत सारी जगहों से कुछ पार्ट चोरी किए और उनसे मिला के एक मशीन बनाई जिससे वो लोग एक पोर्टल क्रिएट कर सके और उसकी मदद से दूसरे डायमेंशन में जा सके। जैसे वो मशीन बनके तैयार हो गई, उसने उन तीनों को अलग अलग डायमेंशन में छोड़ दिया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो चाहता था कि अलग अलग डायमेंशन से मेरे सारे एलिमेंटल सूट वो चुरा ले और उनकी मदद से मुझे हरा दे। वो ये जानता था कि अगर वो यहाँ पर रहा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भी उस पोर्टल के अंदर चला गया ताकि किसी डायमेंशन में जाके छुप सके। ये सब क्या बकवास है, इतना कुछ हो गया। पर एक मिनट, ये सब तुझे कैसे पता? देखो जब वो यहाँ पर वापस आया था तो मुझे पता चल चुका था, पर मुझे लगा वो शांत है। पर उसने तो पूरी ये मशीन ही बना दी। पर उसने एक गलती कर दी, वो यहाँ से चला तो गया पर उसकी ये मशीन अभी भी दूसरे डायमेंशन में सिग्नल भेज रही थी। तुम ये लेजर देख रहे हो, ये कोई मामूली लेजर नहीं है, ये एक सिग्नल है जो दूसरे डायमेंशन में जा रहा है। ये हमड़ो मारी बात, अब मशीन चालू थी गई छे, जो करवानू छे फटाफट करो। फ्रैंकलिन तैयार हो जाओ, निकलने का टाइम हो चुका है। एक मिनट, कहाँ निकलना है, क्यों निकलना है? अबे ये बात तो तूने पहले बताई नहीं थी। क्योंकि वो लोग हर डायमेंशन में गए तो है, पर इस डायमेंशन में भी हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। ये काम तुम्हें ही करना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों बहस कर रहे हो, आपको पता है आपको जाना तो पड़ेगा ही। अब यार ठीक है मैं जाऊंगा, बताओ क्या करना है। ये फटाफट करो, आप मशीन ज्यादा देर चालू नहीं रहवानी। देखो गाइस सब लोगों ने मशीन की तरफ अपनी नजर घुमा ली है क्योंकि ये चालू होने वाली है। एक मिनट, ये धरती वाइब्रेट क्यों हो रही है इतनी? भाई साहब मशीन के चालू होते मौसम ही बिगड़ गया। देखो सामने जो मशीन है ना जिसमें से रेड लाइट निकल रही है, मुझे लगता है वही पोर्टल खुलती होगी। ओ भाई साहब, गाइस ये पोर्टल तो सच्ची में खुल गया और कितना सुंदर लग रहा है यार। फ्रैंकलिन मैंने तुमसे कहा ना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे घूरना बंद करो और उसके अंदर जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम लोगों को क्या है खाली बड़बड़ तो करना है। चलो गाइस टाइम आ चुका है, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर प्लीज लाइक कमेंट कर देना। ओ यार भाई साहब
एक मिनट, ये कौन सी जगह है भाई? फ्रैंकलिन जल्दी से एक व्हीकल ढूंढो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। यहाँ पर एक गाड़ी तो है, इसी में बैठ जाता हूँ। पर ये कौन से जमाने की गाड़ी है यार, हमारे डायमेंशन में तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। अबे नहीं, ये इकलौती ऐसी गाड़ी नहीं है, यहाँ तो सारी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा पुरानी है। एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ। देखो अब टोनी ने जो लोकेशन भेजी है ना, वो यहाँ से सीधी सीधी है। अबे यार एक मिनट, मुझे लग ही रहा था ये लोकेशन देख के हम लोग तो मिलिट्री बेस आ गए। अबे नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, मुझे गाड़ी को इसके पीछे खड़ा करना होगा। रुक जा मेरी माँ। चलो रुक गई, जल्दी से जाते हैं गाइस। यहाँ तो बहुत सारे टैंक्स भी खड़े हैं। एक तो कोहरा इतना ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जरा देखो तो सही गाइस, वो हेलीकॉप्टर सीधे नजर रखा हुआ है और वहाँ पर एक और सोल्जर है। यहाँ पर भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं, वो भी टैंक्स के साथ। फ्रैंकलिन तुम्हें यहाँ पर एक सूट मिलेगा। कहाँ पर? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, वहाँ पर एक सूट है। हाँ ये तो आयरन मैन का ही सूट है। आप देखो हमें किसकी नजर में नहीं आना है, यहाँ पर कोहरा भी काफी ज्यादा है। वैसे टोनी एक बात बता, इसी सूट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर तुम्हें दूसरा सूट मिलेगा, पर तुम्हें उसे हराना होगा। अच्छा ठीक है। अबे नहीं नहीं, यहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है। बच गए। अब इस साइड जाकर देखते हैं, यहाँ पर भी दो जन गाइस, पर वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, एकदम स्पीड में निकल जाता हूँ। चलो चलो चलो, बस पहुँचने वाले। भाई साहब देखो, बस एक सोल्जर बचा है, हमारे पास यही चांस है, जल्दी से अंदर घुसना होगा। अबे नहीं, वहाँ पर दो सोल्जर और है, फिर से छुपना पड़ेगा। देखो उनका ध्यान है ना उस तरफ है, तो हम लोग जल्दी से आगे जाते हैं, आराम आराम से निकल जाएंगे यार। चलो गाइस अब आगे रास्ता साफ है, जल्दी जल्दी भाग के जाता हूँ ऊपर, बस इनकी नजरों में ना आ जाऊँ। कहा गया वो सूट, ये रहा। फाइनली पहुंचा तो सही। ये हमारे वाले आयरन मैन के सूट से थोड़ा अलग है, जल्दी से जाके इसे पहनते हैं। ओ भाई साहब ये तो काफी ज्यादा हैवी है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, और ये मैं चला। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये गए सारे टैंक्स, हेलीकॉप्टर फोड़ दूंगा मैं। देख रहे हो कितना कूल लग रहा है यार। आ जाओ बच्चा लोगो, पहले पकड़ लेते तो बहुत अच्छा होता, पर अब मुझ पर वार करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। बेचारे हाथ तक नहीं लगा पा रहे। रुक जा भाई, ये मैं आया। और ये कहा, क्या जोरदार लगी होगी। और कोई है तो आओ मेरे सामने। यहाँ के सोल्जर को तो निपटा दिया है। ओहो एक और बाकी है तेरी, तो मैं ये ले। चलो सोल्जर गाड़ी दोनों गए। अब हम लोग यूज करेंगे अपने स्पेशल मिसाइल का, सबसे पहले हवा में, वहाँ से सीधा नीचे इन पर। अब यहाँ पर एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। मेरी मिसाइल्स खत्म हो रही है गाइस। कोई नहीं, हमारे पास दूसरे और भी वेपन्स है। तेरी तो मैं ये ले। और ये ढक्की चिक्की, और ये भी गया। अब यार इसका निशाना चुक गया था, पर कोई बात नहीं, इस बार सब क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बचा है। हे थम, रुक जाओ। एक मिनट, ये किसकी अवस्थी? एक मिनट, इसके पास भी आयरन मैन का सूट है? मेरे पास कोई सूट नहीं है, ये मैं खुद हूँ। और एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? एक मिनट गाइस, इसके अंदर कोई नहीं है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैं जिसकी बात कर रहा था ये वही है, तुम्हें इसे हराना होगा और ये सूट पहनना होगा। ये किसकी आवाज थी? तुम किससे बात कर रहे हो बहरूपिये? मैं किससे भी बात करूं तुझे क्या? देख चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना तू अभी मुझे जानता नहीं है। जानते तो तुम नहीं हो मुझे, तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुमने कभी सोची ना होगी। तुम तो गए, ये लो। गाइस ये तो सच्ची में पिटाई कर रहा है, मुझे लगा था मान जाएगा यार। मैं बोल रहा था कायदे से तो भाई होने चाहिए यार, दोनों आयरन मैन के सूट है। तुम मेरे दुश्मन हो, ये लो। ना पड़ेगा यार, इसके पास भी एक से एक वेपन है। तेरी तो मैं ये ले। और ये का, अब मैं इसे बताता हूँ। तेरी तो ये ले, अब नहीं उठ पाएगा। अबे उठ गया। तेरी तो ये वापस से ले। रुक जा भाई, उठना नहीं, मैं आ रहा हूँ। बोला था नहीं उठना, नहीं उठना बोला था ना। मुझे नहीं लगता कि अभी उठ पाएगा, इतना मारा कि इसका तो सूट ही ऑफ हो गया है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें वो सूट पहनना होगा, वही सूट तुम्हारे एलिमेंटल सूट को लेने में मदद करवाएगा। अच्छा ठीक है, अभी पहनता हूँ। गाइस यार पहनते जल्दी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसे कोई नया सूट पहनते हो, तुम अपने आप टेलीपोर्ट हो जाओगे दूसरे पोर्टल में, मतलब के दूसरे डायमेंशन में। मैं कुछ समझा नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जाने के लिए। भाई ये क्या हो रहा है, अचानक से मैं उड़ने कैसे लग गया? नहीं आउच यार। एक चीज मुझे समझ ही नहीं आती, मैं दूसरे डायमेंशन में आराम से क्यों नहीं जा सकता? तुम ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है। गाइस इसी की बाइक लेकर जाते हैं। भाई साहब थोड़े हट जाओ। ओप्स थोड़ा जोर से हो गया, सॉरी भाया। तुम्हें रास्ते में एक छोटे किले जैसी चीज दिखेगी। ओके सर। देखो गाइस छोटे किले जैसी चीज तो यही लग रही है, मुझे लगता है इसी के अंदर से होकर जाना है, वैसे रास्ता भी है। यहाँ पर मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया। आओ आओ मैं तुम्हारा ही
इंतजार कर रहा था। तू मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, मैंने तुझे ढूंढा है। अब तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे यहाँ से हिला नहीं पाओगे। इसकी तो मैं अभी तेरे को हिलाता हूँ, तेरी तो ये ले। तुमने ये क्या किया, तुम उसकी चाल में फंस गए हो। एक मिनट, मैं यही करने के लिए यहाँ पर आया था ना। तुमने अभी मुझे जहाँ से हटाया है वो वोल्केनो में लगी बॉम्ब का ट्रिगर था। जैसे ही वो बटन ऊपर आएगा वोल्केनो के अंदर धमाका होगा। एक मिनट, क्या? अबे नहीं गाइस, यार ये बटन तो सच्ची में ऊपर आ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया, ये सब अभी का भी ठीक करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो मैं तो उस बटन पर खड़े होने वाला हूँ नहीं, पर तुमने जो किया है जरा उसका नतीजा देखो, मेरे पीछे वो वोल्केनो दिख रहा है। गाइस यार ये तो सच्ची में फट रहा है, ये क्या हो गया यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। क्या करूं? जाओ जाकर उस पर खड़े हो जाओ, ये सब फिर से रुक जाएगा। अबे यार बोल तो एकदम सही रहा है, मुझे जाकर उस पर खड़ा होना ही पड़ेगा, इसने बहुत बुरा फंसा दिया यार मुझे। जल्दी से दब जा भाई, जल्दी से दब जा। चलो गाइस बटन तो नीचे जा रहा है, अब बस वो वोल्केनो थम जाए। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा असर तो हो ही रहा है, आग तो काफी कम हो गई है। फाइनली बुझ गया। देखो गाइस अगर ये यहाँ पर है तो हम जो सूट लेने आए हैं वो भी यही कहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं है, बुरा फाइनली मिल गया। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये आइस या फिर वाटर आयरन मैन सूट है, पर मैं उसे ले नहीं सकता क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। ये जो छछुंदर आप लोग देख रहे हो, मैं इसे अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं इसको मारने गया तो मेरे नीचे जो बटन है वो वापस से ऊपर आ जाएगा, अगर वो ऊपर आया तो वो वोल्केनो फट जाएगा। अबे नहीं मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, पर ये मेरे तरफ आ रहा है। वो एक मिनट, आयरन मैन, ये इस डायमेंशन का आयरन मैन होगा। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसने वोल्केनो में क्या फिट किया हुआ है, पर अगर मैं इस बटन के ऊपर से हटा तो वो वोल्केनो फट जाएगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पीछे वोल्केनो दिखाई नहीं दे रहा? इसे हराना बहुत जरूरी है और मुझे वो सूट भी किसी भी हालत में चाहिए। देखो मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। तुम एक काम करो, वहाँ से हट जाओ, मैं उस बटन पर खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर जैसे मैं एक पाँव नीचे लूँ तुम्हें एक पाँव ऊपर रखना है, इसे ऊपर उठने मत देना। हाँ चलो गाइस फाइनली हम लोग इस जगह से आजाद हुए, मुझे बस 5 मिनट दे दो, मेरा वो सूट पहन के उसे हराना जरूरी है। चलो गाइस अब चलते हैं और जाकर पहनते हैं ये सूट। देखो इस वाले आयरन मैन ने है ना उस छछुंदर को इसी साइड मारा था। ओ भाई यार क्या आया है अचानक से, इसकी तो मैं जरा देखे सूट की पावर। भाई साहब क्या कस के पड़ी होगी इसको। आना आना अभी आना, इसकी हालत खराब हो रही है गाइस, तेरी तो ये ले। इसके पास दिमाग तो था पर इतनी पावर नहीं है, पर हमारे पास है दोनों के दोनों। चलो गाइस मुझे लगता है इसकी पुंगी बच गई है। अबे नहीं मुझे उस वोल्केनो को भी रोकना है, वो आयरन मैन कितनी देर उस बटन पर खड़ा रहेगा। कैसे भी करके उसके ऊपर वाले पार्ट को फ्रीज कर दूं तो हमारा काम हो सकता है। और ये अपना जो सूट है वो तो आइस या फिर वाटर आयरन मैन वाला ही सूट है, तो शायद इसके अंदर वो पावर होगी, ट्राई करके देख लेते हैं। देखो वोल्केनो के पास तो मैं पहुंच गया हूं, जल्दी से देखते हैं वो पावर है या नहीं। ओ गाइस क्या बात है यार, मैं इसे ऊपर से फ्रीज कर पा रहा हूं, बस थोड़ी देर और, उसके बाद मुझे लगता है ये नहीं फटेगा। देखो ऊपर ऊपर तो परत जम गई है, अब मैं आयरन मैन को वहां से हटा सकता हूं। कितना लावा नीचे आ चुका था, अच्छा वो हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। वो रहा वो, यहीं पर लैंडिंग करनी है। कभी कभी स्पीड में संभला नहीं जाता, पर कोई बात नहीं। आयरन मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। देखो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वहाँ पर तुम्हें वो सूट दिख रहा है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो। चलो मैं चलता हूँ। गाइस कुछ ही देर में मैं दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाऊंगा। ओ ये फिर से शुरू हो गया। गए गए गए, इसी चीज का मुझे डर रहता है। चलो बर्फ की परत थी तो इतना लगा नहीं मुझे, काफी ठंडी है यहाँ पर। एक मिनट मुझे लगता है ये अल्ट्रॉन का दूसरा चमचा है, पर इसने तो पूरी खुद की आर्मी खड़ी कर ली है। भाई साहब देखो मुझे वो सूट भी ढूंढना है, पर जरा इनकी क्वांटिटी तो देखो, ये तो गिनती में बहुत ज्यादा है यार। गाइस वो रहा हमारा सूट ठीक हमारे नजरों के सामने, पर मैं सीधा वहाँ पर नहीं जा सकता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट, फंस गए गाइस। मैं आगे की तरफ देख रहा था और पीछे ये लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, कितना बड़ा पोपट हुआ है मेरा। देखो हमारे पास आइस या वाटर वाली कोई तो पावर होगी जिससे मैं इनके नजरों के सामने से निकल जाऊं और पता भी ना चले, ट्राई करके देखते हैं। मैं तो खुद ही आइस बन गया हूं, इनको पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि मैं कहां पर गया। देखो हम भी खुद भी बर्फ जैसे ही दिख रहे हैं, तो क्यों ना चुपके चुपके ही अंदर जाया जाए। इनको तो भनक तक नहीं लगी कि मैं कहां से गया और कहां से आया। चलो सूट हमारे ऊपर ही है, यहां से जंप लगाते हैं और जल्दी से जाके इसे पहनते हैं यार। फाइनली मैंने पहन लिया, अब हमारे पास एक फायर सूट। चलो चलते नीचे और सबको मजा चखाते हैं। ये लो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। ऐसा लग रहा है इनके लिए ठंडी बहुत जरूरी है। ये लो, एक साथ क्या उछले यार ये लोग, और एक और बार। अब बस ये आखिरी वाला है जो जली रहा है, क्या तड़पा है यार ये। चलो फाइनली गाइस मुझे लगता है यहाँ पर मैंने सबको हरा दिया है। बस जरा इस शहर की हालत तो देख लो, बस
बस अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई बचा नहीं, तो धीरे धीरे करके तो ये सारी बर्फ पिघल ही जाएगी और फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब हमें कहीं पर और जाके भी चीजें नॉर्मल करनी है। ये फिर से शुरू हो रहा है। ओ भाई साहब यार गए। आउच भाई साहब। अबे नहीं, ये तो अर्थ आयरन मैन का सूट है, पर इसमें से इतनी बिजली क्यों निकल रही है? ये किसने किया होगा? ये मैंने किया है। एक मिनट, किसकी आवाज थी? अल्ट्रॉन का तीसरा चमचा। जब तुमने मेरे दोनों साथी को हराया और वहाँ से सूट लेकर भाग गए, तब मैं समझ गया था तुम यहाँ पर आओगे, इसलिए मैंने सूट को ही बर्बाद कर दिया। अबे एक नंबर के बेवकूफ, मेरा असली मकसद तुमको हराना था, सूट लेना नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं आऊंगा। तुम मुझे खत्म करो, इससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जाओ यहाँ से। ओ भाई साहब, आउच, कमर तोड़ दी। नहीं 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 बेटा, बहुत बुरा फंसा है तू। और ये ले। क्या गर्दन मरोड़ी है यार मैंने। आजा आजा, अब इसे असली धमाका देते हैं। इतना बड़ा बेवकूफ है ये, खुद को बचाने के बदले सूट को बर्बाद कर दिया। अब इसकी सजा मिलेगी तुझे, बराबर की मिलेगी। तो गाइस अब करते इसका काम तमाम। ये ले, इसकी आंखें जला दूंगा मैं। हो भाई, गाइस एक चीज दिखाता हूँ आपको, पहले नीचे उतरते हैं। ये देखो, इसकी आंखें अभी भी जल रही है। चलो फाइनली हमारा काम खत्म हुआ, अब जल्दी से पोर्टल खुल जाए बस। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, इस बार सही सलामत पहुंच गए यार वापस अपने घर पे। इतनी खुशी हो रही है। वो क्या बात है, ये भी पकड़ा गया। जब तुमने उन सबको हराया तो ये बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए ये यहाँ पर वापस आ गया। चलो ये तो और भी अच्छी बात है।